हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपका घर में इस तरह का जो वेस्टर्न टॉयलेट लगा हुआ है, फ्रेंड्स देखिए वेस्टर्न टॉयलेट है और ये फ्लश टैंक है। फ्रेंड्स, जब भी आप फ्लश करते हैं, देखिए मैं अभी फ्लश करूंगा, फ्रेंड्स क्या होता है, यहां से लीकेज होना शुरू हो जाता है, नीचे गिरता है, टॉयलेट में भी जाता है और ये लीकेज भी होता है। फ्रेंड्स, इसको कैसे ठीक करना है इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में हमेशा आपको आगे आपको मिलता ही रहेगा। चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका जो वाशर है, आपको सीधा जाके हार्डवेयर शॉप में जो टॉयलेट फ्लश टैंक का फ्लश बेंड वाशर, ये टॉयलेट वाशर बोलते हैं, फ्लश बेंड वाशर इसको बोलते हैं, वहाँ से जाके बोले तो आपको एक वाशर ऐसा मिल जाएगा। ये 60 से 100 रुपीस तक आता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस इसका हो सकता है। फ्रेंड्स, उसमें आपको ले लेना है और आपको घर में ही आपको इसको कैसे चेंज करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, पहले क्या करना है, देखिए ये वाशर ले लेना है और उसके बाद देखिए ये फ्लश का जो यहाँ पे जो बेंड पाइप को कनेक्ट करने के लिए जो कपलिंग लगा हुआ है, इसको खोलना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हाथ से आपको राइट की तरफ घुमाए तो ये खुल जाएगा और ये बेंड को जो है थोड़ा सा नीचे करे तो ये बाहर आ गया। देखिए फ्रेंड्स, ये वाशर खराब हो चुका था, उसको थोड़ा सा क्या है टेफ्लॉन टेप देके कुछ लगाए हैं जिसके वजह से लीकेज बंद होता है। फ्रेंड्स, ये जो वाशर अगर थोड़ा सा खराब भी हुआ तो पतला हुआ तो आप यहाँ पे टेफ्लॉन टेप देके लगा सकते हो, क्योंकि इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना हुआ है किस तरह का टेफ्लॉन टेप देके लीकेज को बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमको क्या है बदलना है, कैसे बदलना है, फ्रेंड्स इसको ऐसे घुमा के निकाल देना है। निकल दिया तो आपको जो नया वाशर लोगे, देखिए ये फ्रेंड्स ये सड़ गया, किस तरह का सड़ गया, इसलिए लीकेज हो रहा था, पूरा चारों तरफ से खा गया ये, देखिए टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है अभी। फ्रेंड्स, आपको क्या है, ये नया वाशर लेने के बाद है, फ्रेंड्स ये जो टॉयलेट का जो बेंड है, देखिए फ्रेंड्स ये जो होल है जहाँ पे पहले लगा हुआ था, इसी होल को थोड़ा सा साफ कर देना, फिर ये वाशर को ऐसे लगा देना है। ये देखिए कितना ईजी है, वाशर आराम से लग जाएगा। फिर फ्रेंड्स क्या करना है, ये बेंड पाइप जो है इसको थोड़ा सा ऐसे क्रॉस रखना है, रख के इसको थोड़ा सा घुमा के पुश करना है। फ्रेंड्स, अगर देखिए अगर ये पुश करने का टाइम में नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा सर्फ या तो शैम्पू या तो साबुन कुछ लगा देना, ताकि थोड़ा सा स्लाइड होना। तो फ्रेंड्स इसको क्या करना है, इसको लगा के इसको ऐसे घुमा के पुश कर देना है। देखिए ज़्यादा पुश नहीं करना है, क्योंकि कभी भी ध्यान रखना है हमारा पाइप जो है यहाँ तक रहना है, इससे ज़्यादा अंदर गया तो फ्लश करने का टाइम एक साइड में पानी फेंक सकता है, इसलिए इतना ही तक रहेगा। देखिए वाशर का लास्ट तक रहना है, तो इसको क्या करना है, पहले इसको लगा देना ऐसे वाशर को, फिर आपको इसको थोड़ा सा घुमा के, देखिए ये पुश हो गया। अब हम उसको क्या करना है, ये फ्लश टैंक को पानी खाली करके थोड़ा हल्का रखना, पानी फ्लश करके वाल को बंद कर देना। जब भी फ्लश करके बंद कर दोगे तो फ्लश खाली रहेगा, तो फ्लश को थोड़ा सा ये घुमा के सीधा करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ तक पुश होगा, इसलिए फ्लश को थोड़ा सा उठा के उसका अंदर पुश कर देना ऐसे, ठीक है। ये होने के बाद इस तरह का बेंड लग जाएगा। फ्रेंड्स, ये बेंड थोड़ा सा वाशर नहीं था, खराब था, इसलिए टेफ्लॉन टेप दिया हुआ है। चाहे तो आपको यहाँ से अगर फ्लश करने का टाइम में लीकेज हुआ तो भी आप टेफ्लॉन टेप ऐसे राउंड घुमा के फिर आपको ये कपलिंग को टाइट कर सकते हो, फिर आपको जैसा लगा था ऐसे इसको टाइट कर देना है। देखिए ये टाइट हो गया। अब फ्रेंड्स, मैं अभी फ्लश करूँगा, यहाँ से लीकेज नहीं आएगा। देखिए देखिए एक ड्रॉप भी लीकेज नहीं हो रहा है। तो इसी तरह का फ्रेंड्स, ये क्या है ना, आपको इसमें क्या है, अगर बेंड सड़ गया, कुछ फट गया, कुछ भी हुआ तो आप इसमें क्या, बहुत लोग क्या करते हैं कपड़ा मार के सीमेंट लगा देते हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्लास्टिक है, ये जो है पीवीसी टैंक है, प्लास्टिक टैंक, ये क्या होता है, थोड़ा सा हीटिंग में थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और ठंडी में थोड़ा सा हार्ड होता है, जो कि थोड़ा सा प्लास्टिक जो है थोड़ा सा आगे पीछे होता है, जिसके वजह से आप अगर सीमेंट डालोगे, सीमेंट का साइड में सीमेंट तो टाइट हो जाएगा लेकिन उस साइड में गैप हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा कोशिश करो ये वाशर को हार्डवेयर शॉप में लेके आप ही घर में इसको कर सकते हैं, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको तो पता लग गया कैसे चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना। आज के लिए इतना ही है।